हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पेज क्रिएट करके ढेर सारा पैसा अर्न करना चाहते हो तो यह वीडियो बहुत ही खास होगी आप लोगों के लिए। वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, दूसरा किस तरह से आप फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, फेसबुक पेज क्रिएट करके ना, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक एंड प्रोडक्ट पोस्ट आपको क्या करना पड़ेगा ना, सिंपली फेसबुक पेज पे अपलोड कर देना है। जितने आप अपलोड करेंगे, जितने आपके व्यूवर सब्सक्राइबर फॉलोअर्स आप उस लिंक पे क्लिक करके कोई चीज़ परचेस करेगा तो उसका सीधा कमीशन आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपली हम गूगल में चले आएंगे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे फेसबुक। फेसबुक आने के बाद यहाँ पे लिखा है लॉग इन एंड साइन अप, तो मुझे क्या करना है, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली इस पर क्रिएट करूँगी। जैसे यहाँ पे क्रिएट करूँगी तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लॉग इन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, या उसके बाद यहाँ पे साइन अप, ठीक है। तो सारे फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा जो भी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इस फॉर्म को हम फिलअप करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फॉर्म को फिलअप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने नेम दे दिया और यहाँ पे आपका मेल आईडी दे दीजिएगा। यहाँ पे री एंटर मेल आईडी मांगेगा तो वही मेल आईडी को आपने दोबारा यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, उसके बाद जेंडर मांगेगा, ठीक है। सारी चीज़ को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेना है हमें। उसके बाद आपके मेल आईडी पे, जिस मेल आईडी से आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया है उस पे एक एवी कोड जाएगा, ठीक है। तो आपका वो कोड आपको मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो मेल आईडी कॉपी कर ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे सिंपली मुझे उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सपोज़ अगर आपके मेल आईडी पे वो कोड नंबर नहीं आते हैं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सेंड ईमेल अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दी। उसके बाद यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अकाउंट कन्फर्म्ड, यू हैव सक्सेसफुली कन्फर्म्ड योर अकाउंट विद द ईमेल, ठीक है। जो आपका ईमेल आईडी वो यहाँ पे दिखा देगा, यू विल बी सी द ईमेल एड्रेस टू लॉग इन, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे मेरा फेसबुक अकाउंट बना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फेसबुक अकाउंट बना है तो मेरा स्टेप वन कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है फेसबुक पेज मुझे बनाना है, जो भी मेन काम होगा फेसबुक पेज से ही काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब दो तरीके से फेसबुक पेज की साइट पे जा सकते हैं। एक तो मेरे कर्सर को फॉलो करिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक पेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं मेन्यू वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे जैसे मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे आप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पेज, ठीक है। यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, पेज वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू पेज, ठीक है, क्रिएट न्यू पेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोला है कि पेज नेम आपको देना है, तो यहाँ पे हम अपना पेज नेम दे दें। तो यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट मूव दिया था वो नहीं ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या की हूँ, जो मेरा यहाँ पे मैं जो फेसबुक अकाउंट पर मैं जो अपना नाम दी थी मैंने वही चीज़ यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ चुका है। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्रिएट पेज पे क्लिक कर, तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना नाम दे दिया है भारतीय राजक ऑफिशियल, यहाँ पे कैटेगरी में दे दी हूँ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दे दी हूँ, ठीक है। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इमेज। तो यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अगर आपको डालना है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल फ़ोटो आ जाएगा, तो ऐड प्रोफाइल पिक्चर्स पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड कवर फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर्स पे जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपका फ़ोटोज़ होगा आप वहाँ से सिंपली इसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ से डाउनलोड,
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे पेज इन्फॉर्मेशन में मैंने अपना पेज नेम दे दिया है। उसके बाद कैटेगरी में आप तीन ही कैटेगरी दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने तीन कैटेगरी दे दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेसबुक पेज के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपके गैलरी या लैपटॉप में जो भी फ़ोटोज़ होंगे तो आप वहाँ इसे डाल सकते हो। डालने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एक ऐड फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर भी ऐड करके आप यहाँ से फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपके फाइल में सेफ होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना एक फ़ोटो डाल दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद और कुछ करने का है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सेव कर देना है, तो यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक की, तो यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। अगर सपोज़ आपको ये फ़ोटोज़ हटाना हो तो आप यहाँ से फ़ोटोज़ हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फ़ोटो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये नाम आ चुका है, तो ये मेरा फेसबुक आईडी है, तो इसे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे और एंटरटेनमेंट से तो भरपूर होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड अ बटन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट योर पेज अप फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे जैसे आपने 13 स्टेप में से आपने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए बाकी जो स्टेप्स हैं उसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ऐड अ बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऐड अ बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप एडिट एक्शन बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मेक इट इजी फॉर पीपल टू फॉलो योर पेज। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी फेसबुक फॉलोअर्स आपको आसानी से फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, या फिर व्यू गिफ्ट कार्ड स्टार्ट ऑर्डर, अगर आप कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड आप ये फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कौन लाओ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉच वीडियो शॉप ऑन वेबसाइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉप ऑन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपली हम कर देंगे ना शॉप ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर क्या करना है कि शॉप ऑन वेबसाइट पर, तो यहाँ पर व्हाट वेबसाइट वुड यू लाइक टू सेंड पीपल टू व्हेन दे क्लिक टू क्लिक ऑन द दिस बटन, ठीक है। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉच वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक मैं यहाँ पे सेंड कर देती हूँ, तो चलिए मैं कर देती हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ताकि मुझे हर कोई यूज़र्स मुझे फॉलो कर सके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉलो वाले यूजर्स पे हो गया। उसके बाद अगर कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट फ्लो पे क्लिक करके आप यहां से एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे सिंपली क्या करना है, मैं जस्ट आपको दिखा देती हूं, यहां जस्ट आना है नीचे, नीचे यहां पे आना है स्क्रॉल करके, ठीक है। उसके बाद यहां पे अबाउट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे अबाउट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एंटर लोकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट इन्फो, एडिट पेज इन्फो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एडिट पेज इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम आ गया है। उसके बाद जो आपका यूज़र नेम होगा आप अपने यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर डालना हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन डालना हो तो यहाँ पर अपना लोकेशन डाल सकते हो, जैसे कि आप अपना शॉप के लिए या फिर अपने रेस्टोरेंट के लिए फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना शॉप का एड्रेस, यहाँ पे सिटीज़ पिन कोड यहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैप लोकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगर आपके शॉप में पहुँचे तो डायरेक्ट उनको पहुँचने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आर्स पे चलेंगे कि आपका रेस्टोरेंट कब तक खुला रहता है या फिर आपका शॉप कब तक खुला रहता है, तो यहाँ पे यहाँ से आप ऑप्शंस चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेरी सर्विस चेंज, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपन विद सर्विस चेंज या फिर टेम्परेरी क्लोज्ड, या फिर अगर सपोज आपका बिजनेस बंद हो गया या फिर आप किसी भी कारण आप बंद कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जैसे कि संडे सैटरडे बंद रहता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोर वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, इंप्रेशंस, प्रोडक्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे प्राइस रेंज आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद करेंसी जो है इंडियन रुपीस में रखेंगे या फिर डॉलर में, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, अदर कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे अगर आप कोई अदर यूज़र नेम या फिर ईमेल एड्रेस देना चाहते हो या फिर इंस्टाग्राम्स के लिंक्स वगैरह कुछ यहाँ पे देना चाहते हो, इंस्टाग्राम्स के लिंक्स, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी,
एक्चुअली मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको कोई यूट्यूब्स का कोई लिंक है तो यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको आपको ऐड और करना है तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसे ज़रूर इसे मैं फिलअप करूँगी। अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सपोज़ आपने ये एक्स्ट्रा ले लिए और आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस वाले मार्क पे जाके इसे कट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आपका ये फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट पोस्ट। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐड योर पोस्ट, यहाँ पे आप ऐड यहाँ पे पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कोई भी पोस्ट अगर आप डालना हो तो यहाँ पे जस्ट हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ से कोई भी एक कलर ग्रेडिएंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो एवरीवन, ठीक है। दिस इज माय न्यू फेसबुक पेज, फॉलो मी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे जैसे ऐड कुछ करना चाहते हो तो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अपने पोस्ट पे यहाँ पे व्हाट्सअप इमेजेस, व्हाट्सअप नंबर, मैसेज दे सकते हो, गेट कॉल्स, चेक इन, अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कोई शेड्यूल आपको देना है कि हाँ इतना में प्लानिंग में, मतलब शेड्यूल योर पोस्ट फॉर प्लानर इन मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे डाल देती हूँ, तो यहाँ पे सिंपली पोस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसे पोस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कितने लाइक्स आएंगे ये मुझे देखने को मिल जाएगा, कमेंट्स आ रहे ये भी मुझे देखने को मिल जाएगा, शेयर वाले कितने लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है ये भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू ऐड, अगर कोई आप ऐड क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखने को भी वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लाइव जाना चाहते हो तो यहाँ पे गो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लाइव जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ अगर कुछ अपलोड करना चाहते हो तो जैसे कि मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं इसमें अपलोड करूँगी तो मेरे जो फाइल्स पे होंगे वो यहाँ से मैं लेकर मैं अपने वीडियोज़ यहाँ पे मैं डाल दूँगी, ठीक है। या फिर कोई जैसे मैंने अभी ये पोस्ट डाला, फिर यहाँ पे कोई रील्स बनाऊंगी, वो सारे यहाँ से आप डाल सकते हो। तो दोस्तों इस तरह का पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी हाईलाइट यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 28 दिन में आपके कितने पीपल रीच्ड किए हैं, कितने पोस्ट आपने इंगेज्ड किए हैं, पेज कितने लाइक्स किए हैं, टैग एंड प्रोडक्ट्स कितने क्लिक किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर कुछ आप गड़बड़ करते हो या फिर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ एडिट वगैरह कुछ होना चाहिए तो यहाँ पे एडिट पेज इन्फो में जाके आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज ट्रांसपेरेंसी का आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आज पेज क्रिएट का ऑप्शन देख यहाँ पे देखने को मिल गया कि पेज क्रिएटेड, तो यहाँ पे 13 मार्च 2022 को मैंने पेज क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस तरह का मेरा ये फेसबुक आईडी बन चुका है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि फेसबुक अकाउंट एंड फेसबुक पेज किस तरह से क्रिएट किया जाए, और यह वीडियो आई होप कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। मैं पूरी कोशिश की हूँ कि आपको पूरा मैं बारीकी से समझाऊँ, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपने किस तरह से अपना पोस्ट को क्रिएट कोई भी जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट्स लिंक है यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपके ऐप का एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक भी यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगा है, तो हमारे इस फेसबुक अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट का नाम है भारती रजक ऑफिशियल, याद रखिएगा पहला लेटर कैपिटल है बी का, उसके बाद सब स्मॉल है, और जब ऑफिशियल का बारी आएगा तो ओ कैपिटल है, ठीक है। इसे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और आप मुझे पता है कि आपने हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटे के बेल आइकन होगा, उसे आप ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी लाने वाली हूँ, बहुत ही धमाकेदार होगी। तो ज़रूर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब वो चैनल मैं ओपन करूँगी उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक अकाउंट पर दे दूँगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।